शांति। हम रोजाना एक वरदान पर विचार सागर मंथन करते हैं। आज पांचवा विचार है, वरदान है आज का हमारा, जो बाबा ने 30 दिसंबर 2014 को सुनाया। हद की रॉयल इच्छाओं से, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। हद की कोई रॉयल इच्छा भी ना, रॉयल इच्छा क्या होती है? अलौकिक इच्छा तो होती नहीं है। रॉयल माना अलौकिक, रॉयल माना शाही, रॉयल माना मतलब ज्ञान की क्या बोलते हैं टांग अड़ाकर। इच्छाएं वही नकली है, वही दुनिया वाली है, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट लगाकर मतलब ऐसे कहना बाबा भी कहता है। और उसके बाद हैं इच्छाएं वही, मतलब रॉयल रूप में इच्छाएं रखना, मतलब उसको समझना ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मतलब ये सूक्ष्म रूप से उसके अंदर ज्ञान को दिखाई देता है ऊपर से, परंतु ज्ञान होता ही नहीं। जहाँ इच्छा है वहां ज्ञान नहीं। रॉयल रूप से इच्छा मतलब ऊपर से क्या मतलब, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। मतलब हद की रॉयल इच्छा, हद है, इच्छाएं हैं, बीच में एक रॉयल शब्द लगा हुआ है, ठीक है ना। रॉयल शब्द होता है मतलब ऊपर से दिखाई दे के ये राइट है, परंतु अंदर से, क्योंकि जो हम जस्टिफाई कर देते हैं, हम सारे दिन क्या करते हैं, जस्टिफाई समझते हैं कि देखो वो भी ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं। मतलब हमने दूसरों के साथ अपने आप को भी जोड़कर, वो हमारे से बहुत पहले ज्ञान में चल रहे हैं, इतना समय से ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी ऐसे करते हैं, ये है रॉयल इच्छा, ठीक है ना। मतलब वो भी हमारे अंदर नहीं हो भाई। मान लो देखा कि बड़ी बहन है, उस सेंटर की बहन ने बड़ा सेंटर बनाया, मेरे को भी बड़ा सेंटर बनाना है, सारे बना रहे ना, तो ये रॉयल इच्छा है। परंतु इच्छा तो इच्छा ही है ना, तो रॉयल काम तो बाबा का ही किया ना, सेंटर तो बाबा का ही बनाया ना। परंतु उसमें जिन आत्माओं को दुख पहुंचा, वो भी तो हिसाब बना ना, वो कैसे सुख मिलेगा। दुनिया भर के भाई बहनों को दुख पहुंचता है, हाँ, दुनिया भर के भाई बहनों को दुख पहुंचता है। आपने एक बार बहन जी को दे दिया, बहन जी दूसरी बार उससे बड़ी पॉइंट अमाउंट रख के बैठी होती है, भाई इस बार तुमने इतना करना है, और अगली बार उससे मोटा। मेरे पास तो दिन में कितने फोन आते हैं, मेरे पास तो कितने दिन में फोन आते हैं। मतलब ये क्या है, ये रॉयल इच्छाएं हैं। बाबा कहते इन रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। वही चीज पाने की इच्छा नहीं हो तुम्हें, क्योंकि मेरा सेंटर ये जब आ जाता है ये रॉयल इच्छा है, मेरे सेंटर को बड़ा बनाना है ये रॉयल इच्छा है। मतलब मेरा एरिया, मेरा सेंटर, ये बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है। मुक्त रहे सेवा करने वाले, मतलब कोई भी इच्छा नहीं हो कुछ भी, हाँ दे अपनी मर्जी से जितना दे, परंतु आपने मांग लिया तो आप भिखारी बन गए। क्योंकि इतना मतलब मैं देखता हूं बहनों को, मतलब एक बन गया, दूसरा, दूसरा बन गया, तीसरा, अरे भाई उसके बाद क्या जरूरत है, कितना चाहिए आपको, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। आप बिल्डिंगें बना रहे हो, आप उसको के प्रोग्राम करो, अनेक आत्माओं का कल्याण करो,
बिल्डिंग बनाओ, बैठने की जगह नहीं है रखो, ठीक है उसको अच्छा बनाओ, उसमें जो सुविधाएं आप कर सकते हो करो, पर तो सेवा की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंगों की तरफ ध्यान चला गया है। हाँ मतलब मेरे पास रोजाना मैक्सिमम फोन इसी बात पर आते हैं, जबकि वो कहते हैं भाई जी हम आप कहते हो फोन नहीं करो, फिर भी फोन कर रहे हैं आपको, मतलब महसूस करते हैं, हाँ महसूस करते हैं, हाँ महसूस करते हैं फोन करने में आपने मना किया है। मतलब मुक्त रहे सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी, किसी भी प्रकार की संसार की इच्छा, संसारिक चीजों की इच्छा हो ही नहीं, तब सेवा करो। ये वरदान कैसे आएगा हमारे जीवन में, जब हमारे पास जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाबा के हमारे सामने, गुड़गांव का एक एग्जाम्पल है कि गुड़गांव की माता को संकल्प आया कि यज्ञ में 1,00,000 रुपया देना है, गुड़गांव की माता को, है नहीं। अब वो भाई ने मेरे को अपना अनुभव सुनाया, उस टाइम तक स्टेशन तक जाने के लिए छोटी सी सड़क होती थी, छोटी सी जो टूटी फूटी, मतलब दूसरा कोई आसपास तो पेड़ पेड़ जंगल, पर काफी घने पेड़ होते थे, और मुझे 1,00,000 रुपया बैग में लेके जाना है, और मुझे डायरेक्शन है कि आपने वहां जाना है, गाड़ी रुकेगी, आपने बाबा के पास बस रख देनी है, मनोहर दादी बैठी होगी, बाबा को देना नहीं है, लेंगे नहीं बाबा, नहीं लेते थे। और हमने बाहर से मतलब खिड़की से दादी मनोहर दादी बैठी हुई थी, और वहां से हमने बाबा के पास रख दिया और आ गया, मतलब उस साइकिल पर लेके गया, मतलब उस भाई ने अपना अनुभव सुनाया, मतलब ऐसा था। और बाबा के यज्ञ को कैसे चलना है वो एक अलग बात है, उस समय 1,00,000 रुपया मतलब क्या होगा, हाँ मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब हाँ। और उस माता ने भेजा, मतलब मेरा कहने का यह है कि यज्ञ में मतलब उस समय बाबा किसी से लेते नहीं थे, और आज तो कहते पकड़ाओ हमारे हाथ में, ये है हाँ। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, मतलब कर्म तो करने हैं, सारे यज्ञ सारे विश्व को सेवा देनी है, परंतु कभी किसी से मांग करके नहीं करना है, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं, सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वे भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। अब रॉयल इच्छा समझ में आ रहा है, मतलब रॉयल इच्छाएं बंधन में बांधती हैं। सच्ची सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त, जो सच्चे सेवाधारी होंगे वो इस हिसाब किताब से भी क्या होंगे, मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है, स्वार्थ है ना, मेरे के लिए चाहिए ना, वो क्या है, एक बंधन है। यज्ञ के लिए चाहिए, करो यज्ञ में खर्च, करो उसको सफल, ताकि उस गरीब का 1 रुपया किसी आत्मा को संदेश देने के निमित्त बने, जो उसका भाग्य बने, करो। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वो रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त, निस्वार्थ सेवाधारी बनो। बस आपका काम है आत्माओं को बाबा ने जो दिया है वो देना, बस। ओम शांति। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करो, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213103
06986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।